यूपी जनपद के बड़ौत में गुराना रोड पर मकान बिकाऊ है लिखने का मामला लखनऊ तक गूंजा, तो शुक्रवार को पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने अभियान चलाकर 4 महिला समेत 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 54,666 है। वहीं पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोगों की संख्या 167,543 है। इसी के साथ अब तक संक्रमित लोगों में से 3423 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रविवार को मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जहांगीराबाद इलाके के कैलाशपुरी गांव के एक पानी भरे खेत पर कोई मां अपनी नवजात बच्चे को छोड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायकों को एकजुट रहने की सलाह देते हुए 10 दिन में बिगड़ी गोरखपुर की छवि को संभालने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपस में सभी लोग एक दूसरे के साथ समझदारी से रहिए। झारखंड में गिरिडीह आश्रम से लौट रहे सांसद साक्षी ने रास्ते में रोककर जबरन क्वारंटाइन कराने पर सरकार पर करारा हमला बोला। बरेली में कोविड अस्पताल से भागकर संक्रमित सपा नेता ने पुल से कूदकर दी जान, 5 दिन पहले रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में कहा, प्रकृति से पोषण पाने के लिए हमें उसे भी पोषित करना होगा। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 4 युवतियों समेत 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 290 बियर व शराब की बोतलें बरामद। रामपुर के थाना टांडा में एक ऑटो लिफ्टर गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसमें पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 7 कारतूस बरामद किए। अभियुक्तों के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए। 10वीं मुहर्रम और वीकेंड स्पेशल लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी लखनऊ समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद की गई। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने पर पाबंदी के बाद से हर जगह पुलिस की निगाह काफी पैनी रही। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के नेतृत्व में मुहर्रम और लॉकडाउन के मद्देनजर शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस ने फ्लैग मार्च कर ड्रोन से रखी नजर। उत्तर प्रदेश के झांसी के लहचुरा थाना क्षेत्र गांव सैपुर खुर्द से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर कर्ज के कारण एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। मृतक किसान चंद्रभान सिंह ने बीती रात घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गांव वालों ने विधवा को एक युवक के साथ पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई, फिर दोनों के बाल भी काट डाले और चेहरे पर कालिक भी पोत दी गई। यह मामला मैनपुरी के नगला गुरभक्ष गांव का है। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठी है सरकार। चिट्ठी प्रकरण को लेकर कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, अब इस नेता ने कहा पार्टी का किया सत्यानाश। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।